एमपी के छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा जनपद पंचायत अंतर्गत सागर व ललितपुर जिले की सीमा से सटा हुआ लोगों की आस्था व श्रद्धा का केंद्र सुप्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ स्थान अवार माता में 10 दिवसीय मेला का आयोजन जनपद पंचायत बड़ा मलहरा के अधिकारी कर्मचारियों की देखरेख में चल रहा है। अवार माता मंदिर के पुजारी आचार्य मथुरा प्रसाद पाठक के मुताबिक अवार मंदिर परिसर में बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी से 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जहां देश और विदेश के लोग आते हैं। यहां पहाड़ पर विराजी देवी प्रतिमा एक विशाल शिवलिंग के उद्गम स्थल पर है, जिनकी स्थापना बैसाख पूर्णिमा के दिन आल्हा ऊदल ने की थी, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना के हल्दी के उल्टे हाथ लगाते हैं। जब मनोकामना पूरी होती है तो वह हाथ सीधे हो जाते हैं। मेला बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होता है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तक चलता है। यहाँ पर बैसाख पूर्णिमा को भगवती का विशेष उत्सव मनाया जाता है। यहाँ देश विदेश से आदमी आते हैं, जो भी कामना लेके आते हैं हाथे लगते हैं, जिसका कार्य सफल हो जाता है। एक वर्ष के अंदर कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो, संतान प्राप्ति का हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो, व्यापार का हो, शक्ति स्वरूपा कीड़ा में हाथे लगते हैं, वो काम सफल हो जाता है। हर एक आदमी वैसा पूर्णिमा को वर्षगांठ पे यहाँ आते हैं, भगवती का दर्शन करते हैं। भगवती हर एक कामनाओं को, संतान इनको संतान की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी इनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बुद्धि इनको बुद्धि की प्राप्ति होती है। प्रतिमा की स्थापना किसने कराई थी? ये आला उदल के समय से है, देवी स्वयंभू है, उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। वैसाख पूर्णिमा का समय था, दिन था। हरेक नौ दुर्गा में हरेक देवियों का उत्सव नौ दुर्गा में मनाया जाता है। यहाँ अभार माता का वैसाख पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। इनका पूर्व में नाम क्या था? अभेर माता नाम से विख्यात थी। आला उदल यहाँ विश्राम हुआ, लेट हो गए, तो उन्होंने अभेर माता के नाम से इनका विख्यात नाम था। मंदिर की व्यवस्था और मेले की व्यवस्था कौन थी? मंदिर की व्यवस्था मेले की व्यवस्था जनपद पंचायत बड़ा मलहरा के अंतर्गत है, वो सारी व्यवस्था करते हैं। पानी की व्यवस्था, यात्रियों को रहने की व्यवस्था, मेला की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था जनपद पंचायत बड़ा मलहरा द्वारा सारी व्यवस्था की जाती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।